अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जी कि फर्स्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड फर्स्ट अनाउंसमेंट भी आ चुकी है, और इसके साथ साथ आप तमाम लोगों का जो लेक्चर का शेड्यूल है वो भी अनाउंस हो चुका है। क्या आपने अपना शेड्यूल देखा? क्या आपको समझ है कि शेड्यूल के साथ कैसे चलना है, और अनाउंसमेंट जो आती है उसका क्या पर्पज़ होगा, और कैसे शो होगा कि आपके पास अनाउंसमेंट आई है? ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि हाउ टू यूज़ VU LMS, LMS को यूज़ करने का तरीका मैंने बताया था जी, कि LMS का ID पासवर्ड लगा के आप होम पेज पर आ जाएंगे। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और मेरी लास्ट वीडियो भी उसी के रिलेटेड वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया है जी कि आपने जब होम पेज पे आना है तो होम पेज पे आते ही आपके सब्जेक्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी बंदे ने कोर्स सिलेक्शन नहीं की तो कोर्स सिलेक्शन कर ले, ताकि उसके तमाम सब्जेक्ट जो है यहाँ पर शो होने चाहिए, ठीक है जी। अगर आपके क्रेडिट आवर्स का इशू आ रहा है तो वो कोर्स सिलेक्शन आप कर लें। कोर्स सिलेक्शन बाद में चेंज भी हो सकती है 19 तारीख तक, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको अनाउंसमेंट के ऊपर एक रेड कलर का ये वन लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स डैट कि आपका एक अनाउंसमेंट यहाँ पर आई हुई है, और इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। सेम इसी तरह आपका अगर कोई क्विज, असाइनमेंट, GDB या कोई भी चीज़ आएगी तो आप जो है ना इसी तरह आपके सामने एक ब्लिंक करेगा, रेड जो है ना निशान आपके सामने शो होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, देखते हैं जी कि इस अनाउंसमेंट में क्या बताया गया है। जी अनाउंसमेंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस अनाउंसमेंट को अगर आप पूरा नहीं भी रीड करते चलें, ये तो वेलकम अनाउंसमेंट की गई है जी। इंस्ट्रक्टर की तरफ से आपको एक अनाउंसमेंट है जी कि इस सब्जेक्ट के लिए हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अनाउंसमेंट आती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। VU001 जिन जिन लोगों का सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड ये अनाउंसमेंट मस्त देखकर करें। लास्ट लास्ट सेमेस्टर में भी कुछ लोगों का वो फेल हुआ है, वो इसी वजह से कि उन्होंने अनाउंसमेंट को नहीं देखा, ठीक है जी। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस वीडियो को बनाने के लिए। और दूसरी बात थी जी, यहाँ पर आप नंबर 6 पे देख सकते हैं लेक्चर शेड्यूल या लेक्चर स्केड्यूल। जैसे ही आप लेक्चर शेड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पूरे वीक का लेक्चर शेड्यूल ओपन हो जाता है। पूरे वीक का मीन्स कि हर संडे की शाम को वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने जो है पूरे वीक का एक शेड्यूल देती है, जिसके मुताबिक अगर आप चलना चाहें तो अगर उसके मुताबिक चलते हैं, उतने लेक्चर लेते हैं तो आप ज़रा भी अपने कोर्स से लैग नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें है क्या जी? फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी 516। इस ये मेरे अगर 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं तो साइकोलॉजी 516 का एक लेक्चर अगर मैं मंडे को लेता हूँ, एक वेनसडे को और एक फ्राइडे को, ठीक है जी। 3 लेक्चर आएंगे वीक में और घंटे घंटे का लेक्चर होगा, वो लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड होते हैं, हैंड आउट्स हैं, आप उनसे भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा सब्जेक्ट है जी 504 का, उसका भी सेम उसी डे में देखें ये 3 लेक्चर्स ये भी हो गए। मतलब ये कहने का जी कि आपके मैक्सिमम जो है ना ये देख सकते हैं आप 3 या 4 लेक्चर अगर आप डेली के करें, ये देखें 3 मंडे को, 4 ट्यूसडे को, 3 जो है वेनसडे को, 4 थर्सडे को, फिर आगे 3 फ्राइडे को और 3 सैटरडे को। मतलब कि 3 या 4 लेक्चर हार्डली आते हैं पूरे हर एक सब्जेक्ट का, हर एक डेली बेस का 3 या 4 लेक्चर अगर आप लेते हैं, मतलब कि आप 2 या 3 घंटे अगर स्टडी को देते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसको बनाने का उनका मकसद ये होता है जी कि ये चीज़ें अपलोड होती रहती हैं, आपने फिर देखनी है वीक में। मतलब ये 3 चीज़ें 3 लेक्चर हो गए। फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है 516, मैं आपको इसकी एक चीज़ बताता हूँ, या 516 है या 512 है या जो भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने पूरे जो है ना फर्स्ट वीक में आपने क्या पढ़ना है, सेकेंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है, यहाँ पर ये भी शेड्यूल यहाँ पर भी अपलोड हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और उस जगह से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। ये थी कुछ मेन मेन बातें मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर किसी भी बंदे का कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी चीज़ पूछनी होती है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे पूछा करें। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट बिल्डर की ऑफिशियल वेबसाइट को लाजमन सब्सक्राइब करें, लाजमी इसके ऊपर विजिट करें। बहुत से लोगों को असाइनमेंट क्विज में इशू आता है, जो कि हम यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ये देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ये देखें, हर असाइनमेंट, GDB, नोट्स, पास्ट पेपर, हर चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है।
इसके अलावा हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मैट्रिक, इंटरमीडिएट ये चीज़ें भी इंक्लूड करते जा रहे हैं, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी। तो अगर आपको उस रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डर की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। आपको चाहिए कि आप ये लाजमी विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। होपफुली इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।